हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ फाइव मस्ट हैव एसेंशियल प्रोडक्ट, वेडिंग एसेंशियल प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपके पास जरूर होनी ही चाहिए। सो मैं हूं मीनू और स्वागत करती हूं आपका फिर से अपने चैनल सिद्धि टिप्स पर, जहां मेकअप हेयर स्टाइल और फैशन की बातें करते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही मतलब फाइव प्रोडक्ट शेयर करूंगी, जो अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं या फिर किसी में भी आराम से आपके इजीली चल जाते हैं और बहुत ट्रेंड में हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेल्ट के बारे में बातें कर लेते हैं। तो इस तरह की टू बेल्ट आपके पास जरूर होनी, टू मस्ट हैव बेल्ट जो आपके पास होनी ही चाहिए, जो कि आपकी हर आउटफिट पर इजीली चल जाती है। और दोनों ही जो बेल्ट है ये मैंने मीशो से मंगाई है, काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मंगाई है और काफी ट्रेंडी लुक आपको देती है। एक है सिल्वर टच में, तो ये आपके लहंगे में, ड्रेस में या फिर आपके सूट साड़ी किसी में भी अगर सिल्वर वर्क के टच का काम है तो ये इजीली चल जाएगी। इस तरह से है, ये फैब्रिक में है, मेटल की नहीं है, ये एडजस्टेबल है। तो आपको इसका ये हुक है, यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेनी होती है। इस तरीके से यूज करना काफी आसान है, बस आप इसका हुक लगा देना होता है यहाँ पर। ये बहुत ट्रेंडी लगती है, 150 के अंडर मुझे मिली है। और सेकंड है, ये मेटल की है, गोल्डन है ये इस तरीके से, और इसमें भी एडजस्टेबल है, हुक दिया हुआ है। और ये यहाँ पर आप अपने नाप के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आपने कई बार मुझे वीडियो में पहनते हुए देखा होगा, आजकल काफी फैशन में है और काफी यूनिक लगती है। इसको भी आपको इस तरीके से लेकर और पीछे एडजस्ट कर देना है। तो जिनमें गोल्डन वर्क है उन पर ये बहुत इजीली अच्छे से चल जाती है, साड़ी पर, सूट पर, लहंगे पर, जिस पर भी आपका मन करे। ये बेल्ट आपके पास होनी जरूर चाहिए। तो मेरे पास पहले गोल्डन थी, बट कई मेरे पास सूट या साड़ी होती थी जिनमें ये गोल्डन मैच नहीं करती थी, उनमें सिल्वर वर्क का टच होता था, तो मैंने ये सिल्वर वर्क की मंगाई। ये मेटल में है गोल्डन, ये फैब्रिक में है, दोनों ही काफी ट्रेंड में है, काफी अच्छी लगती है। तो ये था पहला एसेंशियल प्रोडक्ट। तो सेकंड की तरफ चलते हैं, इस तरह का बनारसी दुपट्टा आजकल बहुत ट्रेंड में है। आपको बहुत मतलब आप किसी भी लहंगे पर कंट्रास्ट में दुपट्टा लेना चाहते हैं तो बनारसी दुपट्टा आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का है, रेड कलर एक ऐसा कलर है जो मोस्टली ज्यादातर चल ही जाता है, रेड एंड गोल्डन का टच है, तो ये गोल्डन पे भी चल जाता है, ग्रीन पे भी चल जाता है, रेड पे भी चल जाता है। ये मैंने स्नैपडील से परचेज किया था, ऑनलाइन ही परचेज किया था। इस तरह से फुल इसकी लेंथ है और काफी मतलब अगर आपकी न्यू वेडिंग हुई है या होने जा रही है तो आपके पास ये जरूर ही होना चाहिए। ऐसे इसका लुक है और ये इसका नीचे की साइड हैवी बॉर्डर है दोनों साइड, और इसे आप चाहें तो सर से भी रखें तो भी बहुत अच्छा लुक देता है, बनारसी साड़ी वाला लुक है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था बट ये आपको ऑफलाइन भी इजिली मिल जाता है। ये मेरा थोड़ा अच्छा वाला है, इसमें हल्के फैब्रिक के आते हैं, तो आप थोड़ा अच्छे वाला फैब्रिक का ही लेना। तो इस तरह से आपके पास ये आपके सूट साड़ी अनारकली जिस भी आपका मन करे उस पर आप इजली पहन सकते हैं। इस तरह इसमें साइड में ये अच्छे लगते हैं, ये लटकते हैं इस तरीके से। तो सो ये मेरे पास बनारसी दुपट्टा था एक, तो आपके पास जरूर ही होना चाहिए। कब जब मेरे कुछ समझ में नहीं आता कोई ग्रीन सूट पहन रखा है या फिर, तो इसको मैं पहन लेती हूँ तो इजली ये हर किसी पर चल जाता है। तो ये सेकंड वेडिंग एसेंशियल। थर्ड की तरफ चलते हैं, तो आपके पास इस तरह का एक फेक गजरा, मतलब ये देखने में बिल्कुल रियल लगता है बट है नकली। ये मैंने तो सदर बाजार से खरीदा था बट आपको ये ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा। ये बिल्कुल असली गजरे जैसा लगता है बट सुगंधी नहीं देता, बाकी जो लुक है पूरा उसी का देता है। तो अगर आपको कोई भी हेयर स्टाइल नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तो आप बस नॉर्मली जैसे आपको घर पे जूड़ा बनाना आता है उसके ऊपर बस इसको लगा लीजिए। इस तरह मैंने यहाँ पे छोटे वाले काले धागे बांध दिए हैं, तो आपको मतलब यू पिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको इस तरह रैप करके डायरेक्ट गांध बांध दीजिएगा तो आपका ये सिक्योर रहता है। तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। और नहीं है तो आप इस तरह के जो फ्लावर हैं आजकल बहुत चल रहे हैं, ये भी मतलब आर्टिफिशियल हैं बट देखने में ये भी बिल्कुल रियल के लगते हैं। इनका आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ इस तरह से पिन लगी होती है, चाहे ओपन हेयर में लगाइए चाहे आप जूड़े के आसपास लगाइए, बस इसको इस तरह खोल देना और लगा देना है तो ईजिली लग जाता है। तो आपके पास ये फ्लावर या गजरा दोनों में से एक चीज जरूर ही होनी चाहिए, जो कि आपको एकदम वेडिंग गेस्ट लुक देने के लिए। देखिए एकदम से मेरा ये फ्लावर मैंने लगाया है, तो हेयर स्टाइल एकदम से ओपन हेयर स्टाइल भी बनाया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल बस पिन लगाइए और इसको लगा दीजिए तो आपका बन जाता है। या फिर गजरे इसका जो भी आपको नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी वाली हेयर स्टाइल आती है, तो अगर आप इनका यूज करेंगे तो वो आपकी जो भी हेयर स्टाइल आपको आती है वही आपकी अच्छी लगने लग जाएगी। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज ले सकते हैं और इससे आपका लुक कंप्लीट हो जाता है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली मिल जाते हैं। तो फोर्थ एसेंशियल की तरफ चलते हैं। सो इस तरह के जो क्लच है, ये पार्टी वेयर क्लच है, वेडिंग में आपके बहुत अच्छे से चल जाएंगे, किसी भी ड्रेस पे चल जाते हैं। ये प्योर गोल्डन है, ये थोड़ा रोज गोल्डन टाइप है, तो जिनमें सिल्वर वर्क है उस पर भी इजीली चल जाता है। दोनों ही मैंने ऑफलाइन परचेज किए थे, ये तो मेरे भाई की शादी के टाइम मैंने लिया था बट आज भी वैसे का वैसा है।
ये मैंने अभी हाल फिलहाल में ही परचेज किया है। तो आप इसको, इसकी सबसे अच्छी बात है आप इसे ले सकते हैं और बिल्कुल हैंड फ्री रह सकते हैं, चाहे तो इस चैन को अंदर डालकर और हैंड में ले सकते हैं इस तरीके से, इस चैन को अंदर डालकर। ये इसकी फिनिशिंग है और इसमें स्पेस भी काफ़ी है, यहाँ से ओपन हो जाता है। देखिए ओपन होने के बाद इस तरीके से आप अपना कैश और फ़ोन तो ईजिली रख ही सकते हैं, इस तरह बंद हो जाता है। सो बहुत ट्रेंड में है ये क्लच आजकल, और ये मेरा इस तरह से हैंड क्लच है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है, इसमें भी आप अपना कैश और मोबाइल या कोई भी ज़रूरी सामान ईजिली रख सकते हैं और ये इस तरीके से बंद हो जाता है, तरीके से है ये। जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होता है तो उन पर ये क्लच बहुत अच्छे से चल जाता है, ये थोड़े लाइट वेट पर भी चल जाता है, किसी भी ड्रेस पे चल जाएगा। बट इस तरह का क्लच एक आपके पास होना ही चाहिए ताकि आप किसी भी वेडिंग में जा रहे हैं तो आप अपना फ़ोन, अपना कैश, अपना हैंकी बेझिझक आप इसमें रख सकते हैं और आप स्टाइलिश भी दिखेंगे इनके साथ। तो ये था फोर्थ वेडिंग एसेंशियल, अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं। तो मैं है ये इस तरीके से, एक सिल्वर और एक गोल्डन टच का चूड़ा और एक ये सिल्वर वर्क का नॉर्मल चूड़ा। तो इस तरीके से एक गोल्डन टच में चूड़ा, राजस्थानी चूड़ा, जो कि आपके लहंगे साड़ी सब पर इजीली चल जाएगा। और ये है सिल्वर वर्क में और ये उतना हैवी नहीं है, बट ये आपकी जो ड्रेसें होती हैं या गाउन होता है अच्छे से चलता है, क्योंकि जिनमें गोल्डन वर्क नहीं होता तो उनमें गोल्डन वर्क का चूड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये सिल्वर वर्क के टच में एक आपके पास होना चाहिए और एक गोल्डन टच के पास होना चाहिए, जब आपको कुछ समझ ना आए किसी भी साड़ी के साथ, या फिर किसी साड़ी का चूड़ी का सेट आपके पास नहीं है या किसी ड्रेस का नहीं है या किसी सूट का नहीं है, तो आप इनको ईजिली पहन सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिसमें सिल्वर वर्क का काम हो तो उसके साथ सिल्वर, और जिसमें गोल्डन हो उसके साथ गोल्डन वर्क का। तो इस तरह से दो चूड़े आपके पास होने चाहिए और पहनने के बाद ये बहुत, मतलब ये मैंने, ये जो है राजस्थानी वाला मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, मीशो से काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है। ये मैंने 530 का परचेज किया था इस तरीके से। सो ये किसी भी साड़ी पर, आपके लहंगे पर जिसमें गोल्डन वर्क का है काम, तो उस पर चल जाता है और देखने में काफ़ी ट्रेंडी लगता है आजकल, काफ़ी मतलब ट्रेंड में है ये राजस्थानी चूड़ा। तो इस तरीके से आपके पास ये एक ये सिल्वर वर्क था। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, थोड़ी ना थोड़ी तो आपको जरूर ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।